धर्म ज्योति के दर्शकों, आज जो चर्चा का विषय, अभी अभी भारत टीवी के राहुल शर्मा जी के साथ चर्चा हो रही थी और ये कह रहे थे, स्वामी जी भक्ति के लिए अभी क्या जरूरत पड़ी हुई है, बुढ़ापा ठीक है ना। हंस रहे थे, व्यंग कर रहे थे। तो मैं साधारण सी एक बात आपसे पूछूं। पहली बात, आपको अगर कहा जाए कि बासी सब्जी खा लो, क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको कहा जाए ये मुरझाए हुए फूल हैं, ये लो मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं आपसे कहूँ ये बहुत दिन पहले के कुछ फल पड़े हुए हैं, आप इसको ग्रहण कर लो, क्या आपको अच्छा लगेगा? जब हम लोगों को बासी सब्जी, बासा फूल, बासा फल, बासा पानी, जब हमारे को ये पसंद नहीं है, हम इसको इसमें आनंद नहीं लेते, तो हम कैसे विचार करते हैं कि हम ये बासा जीवन यानी बुढ़ापा है वो परमात्मा को दें? भगवान को अगर देना है, देखो मैं ये मना नहीं कर रहा, पहली बात कहूंगा जब जागे तब सवेरा, मैं ये मना नहीं करता कि बुढ़ापे में मत लगो, लेकिन इंतजार क्यों कर रहे हो? फरीद साहब की एक बात याद आ गई, उठ फरीदा सुतिया, तेरी दाढ़ी आयो बूर, अग्गा नेड़े आ गया ते पिछा रह गया दूर। बाबा फरीद साहब ने एक युवक को जब देखा ना कि मेरे पास आते 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 और इसकी दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन उलझने खत्म नहीं हुई, अभी ये परमार्थ के रास्ते पर नहीं चला, तो उसको कहा था कि उठ फरीदा सुतिया, तेरी दाढ़ी, अब तू सफेदी में आ गया है लेकिन अभी तक तू भटक रहा है। अतः धर्म ज्योति के दर्शकों, वो एक और भजन है कि युवा लोग जैसे शर्मा रहे होते हैं नाम से मिलन करने से भक्ति के मार्ग पर है, तो शर्मा के न यूं ही खो देना, रंगीन जवानी की घड़िया, इस मैं को मुबारक। ये मैं क्या है? नाम कुमारी नानका चढ़ी रवे दिनदार। ये किस चीज का नशा है? ये नाम का नशा है, परमात्मा का नशा है, ये भी एक नशा है। जो संसारिक नशे है ना, भोग का, व्यसनों का, वो आपका जीवन बेकार करेंगे, लेकिन जिसको एक बार व्यसन लग जाए परमात्मा का, तो वो अपना कल्याण तो करेगा ही करेगा, दूसरों का कल्याण भी कर देगा। शर्मा के न यूं ही खो देना, रंगीन जवानी की घड़िया, इस मैं को मुबारक चीज समझ, माना कि बहुत बदनाम है ये। भगवान का रास्ता ना, अभी हमारी उम्र है क्या है? बच्चों को कहा जाता उम्र है, अरे पागलो, पता नहीं आज देख नहीं रहे कि जवान मर रहे हैं, बूढ़े बैठे हुए हैं, क्या पता कि हमने बुढ़ापा देखना भी है नहीं देखना है। मैं माफी चाहूंगा, जरा मैं दूसरे विचारों का आदमी हूं। पहली बात तो व्यसन छोड़ो, शराब, नशे, मांस, मदिरा, ये छोड़ो। अगर ये नहीं छूट रहे ना, कई लोग विचार करते हैं अब हम युवा हैं, अभी हम मॉडर्न कल्चर में हैं, अभी हम छोटा मोटा कोई व्यसन में हैं, विलासिता में हैं, मैं कहूँगा पहली बात उसे छोड़ो, और अगर वो नहीं छूट रहा, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा छोड़ो, मत छोड़ो। जाओ, मैं आज आपको ये भी छूट दे रहा हूँ, मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन मेरी वाली गिलास साथ पकड़ लो, एक परमात्मा का नाम पकड़ लो, है सिमरण पकड़ लो, सत्संग पकड़ लो, सेवा भाव अपने मन में ले आओ। देखना जो आदमी सत्संगी होगा ना, उससे कभी शराब छुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे नशे छुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यसन छुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा समय आएगा उससे सब कुछ छूट जाएगा। बुढ़ापे की क्यों इंतजार करते हो? और जिस समय पर आप सत्संग सुनने के लिए जाएंगे, हैं, सत्संग सुनने के लिए जाएंगे, आपके कानों में क्या पड़ेगा? हैं, कानों से सही आवाज नहीं आएगी। आप बोलोगे राम राम, मुंह से ऐसे लगेगा बोल रहे हैं काम काम। आपकी आंखें हैं वो सामने किसी में भी
भली प्रकार से देखने से वंचित रह जाएंगी। और जब तक युवा अवस्था में आपके पास 10 रुपया है ना, उसमें से आप 50 पैसा 1 रुपया दान कर सकते हो, कर दो, क्योंकि बुढ़ापे में अगर आपके पास पैसा हुआ भी ना तो उसका कोई नया खसम पैदा हो जाएगा। आपका बेटा, आपके परिजन, वो फिर आपको उनकी शक्ल देखकर दान करना पड़ेगा। जो करना चाहते हो ना, इसको शीघ्रता से कर लो, बुढ़ापे की इंतजार मत करो। और अगली बात, अब बुढ़ापे की आप इंतजार कर रहे हो, एक बात तो बताओ, आपने कोई काम 50-60 साल किया है, अब 60 साल के बाद कितनी उम्र बाकी रह जाएगी, हम लोगों की कितनी रह गई, हो सकता है 1 घड़ी 2-4-5-7-10-20 साल मैक्सिमम है। अब जो काम हमने 60 साल किया, 60 साल के बाद अगर हम चाहें कि एकदम भगवान का नाम ले लें, क्या आसान समझ रखा है परमात्मा का नाम इतना आसान? अगर हम कहीं सत्संग करते करते कहते हैं ना, बोलिए श्री सतगुरु देव भगवान की जय, तो अगर 500 लोग बैठे होते हैं ना तो शायद उसमें से 150 तो जय बोलते हैं, 350 रह जाते। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। बाल्य अवस्था से ही, पिछली बार जैसे चर्चा कर रहे थे ना, बच्चों को संस्कार दो, और आज बुढ़ापा आ गया, आज बुढ़ापे की चर्चा आ गई। बच्चों को संस्कार दिए ना, बचपन से ही राम 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 राम, अगर ये राम राम की आदत पूरे हिंदुस्तान को होती ना तो राम मंदिर बनने में 500 साल ना लगते। प्यारी साध संगत जी, बुढ़ापे में नहीं, जिस एज में आप आए, और फिर इसके लिए आपको ये जरूरी नहीं मंदिर में जाना है, नाम सिमरण करने के लिए, सत्संग करने के लिए हमेशा हालात नहीं चाहिए, ख्यालात चाहिए। जिस समय पर आपकी विचारधारा अच्छी होगी ना, आप अपने ऑफिस टेबल पर बैठकर, आप दुकान पर बैठकर भी ना गाहक में भगवान का रूप देखेंगे। आपको सेवा करने के लिए ना जरूर ये नहीं किसी मंदिर गुरुद्वारों या किसी तीर्थों में जाना है, आप जहाँ पर बैठे होंगे ना, आप अगर परचून की दुकान चलाते हैं ना तो आपकी नज़रों को सब पता है कि नीडेड आदमी कौन है, है? तो आप वहाँ पर भी सेवा कर सकते हैं। बुढ़ापे की इंतजार मत कीजिए, वो इंतजार देर हो सकती है, फिर आखिरी समय पर आपके जो अनुभव जो होगा, क्योंकि आखिरी समय पर एक पिक्चर चलती है सामने, जो सारा जीवन किया हुआ है ना वो सामने आता है। जब सारा जीवन हमने एक्सपीरियंस, नाम सिमरन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, ताजे फूल दो ना भगवान को, शुद्ध सब्जी दो ना, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट भगवान को, ये जो अपने फ्रूट्स है ना, है? अगर भगवान से फल की इच्छा है ना तो उसको ताजे फल दो अपने, है? आता है बुढ़ापे में नहीं, जितनी जल्दी हो सके। और बुढ़ापे के लिए तो एक बात याद आती है, की करिए करतार विच बुढ़ापे दे, कोई नी लैंदा सार विच बुढ़ापे दे, मन मर्जी दा महल बनाया, पुत्र पोतर विच बिठाया। और बुढ़ो के लिए क्या होता है, साड़ी मंजी बार विच बुढ़ापे दे, अब मेरी खटिया बार विच बुढ़ापे दे, कोई नी लैंदा सार विच बुढ़ापे दे, मन मर्जी दा मिले ना खाना, जो कुछ मिल जाए ओई ओई खाना। घर वाले अगर आपसे नाराज है ना तो आपको मीठा नहीं देंगे, आपकी शुगर बढ़ जाएगी, वो आपको ना तली भुनी चीजें, वो अगर नाराज है, खुश है तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। मन मर्जी दा मिले ना खाना, जो कुछ मिल जाए ओई ओई खाना। खाने को क्या मिलता है, डांट चिड़का पहन हजार विच बुढ़ापे दे। धर्म ज्योति के दर्शकों, जितनी जल्दी हो सके, जिस पल हो सके, रेड लाइट पर खड़े हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए, खाना मेरी बहने बनाते हुए, दुकान पर बैठे हुए, परमात्मा का सिमरण करो, मनन करो, चिंतन करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। तभी जिस का बाल्यकाल अच्छा होगा ना, उसकी युवा अवस्था दूसरों का कल्याण करेगी, और जिसकी युवा अवस्था दूसरों का कल्याण करेगी ना, भगवत मार्ग पर शुभ कामों में लगी रहेगी ना, तो उसके बुढ़ापे को सुधारना नहीं पड़ेगा, उनके घर में शांति बनानी नहीं पड़ेगी, अविरल शांति होगी। अतः अपना भविष्य सुधारने के लिए आज वर्तमान इसी समय, जो जो जिस जिस उम्र का है, केवल आज से भक्ति, भक्ति यानी खुद को मिटाना, और खुद को मिटाना इसके प्रारंभिक काल में केवल सिमरण शुरू कीजिए, राम राम की आदत डालिए, और प्रारंभिक काल में यही कहूंगा, चलो अभी मंदिर जाना शुरू कीजिए। ये आपकी ये मुकाम नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, ये जीवन की पहली सीढ़ी है, यानी जिसको आप भक्ति समझते हो ना, पूजा पाठ कर्मकांड तीर्थ व्रत, चल यार कुछ शुरू तो कर,
है, मैं किसी चीजों को रोकूं, आपको बड़ी बड़ी बातें करूं, वो आपको समझ नहीं आएंगी। जो तेरे को समझ आता है, जिसको तू भक्ति समझता है ना, तो एक बार शुरू कर और यहीं से एक शुभारंभ होगा। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा 2-3 दिनों के बाद नए नए विषयों पर। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस कार्यक्रम के नीचे स्क्रीन पर भारत टीवी के एवं व्यक्तिगत मेरे टेलीफोन नंबर आते हैं, लोग संपर्क भी करते हैं। आपका कोई प्रश्न, कोई बात हो, कोई गरीब कन्या आपके नज़र में हो, उसका विवाह करना, हमारे को सेवा का मौका दो, किसी प्रकार की कोई सेवा हो हमको बताइए। जय माता दी, जय देवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम शांति।